आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। संसद से लाल किले तक हमला करेंगे खालिस्तान समर्थक, आतंकी पन्नू ने CPM सांसद को दी धमकी। केरल से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के राज्यसभा सांसद वी शिवदासन ने सिख फॉर जस्टिस से धमकी भरा कॉल आने का दावा किया है। रविवार को उन्होंने इस मामले को लेकर राज्यसभा के सभापति को एक पत्र लिखा। सांसद वी शिवदासन ने रविवार को अपने पत्र में लिखा, सिख फॉर जस्टिस से धमकी भरा कॉल आने का ये मामला आपके संज्ञान में लाया जा रहा है। मुझे 21 जुलाई 2024 को रात 11:30 बजे एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा कॉल आया है, जिसमें खुद को सिख फॉर जस्टिस की ओर से होने का दावा किया गया है। ये कॉल उस समय आया जब मैं IGI एयरपोर्ट लाउंज में सांसद AA रहीम के साथ था। CPIM सांसद ने एक पत्र में कहा कि रिकॉर्ड किए गए कॉल में सिख फॉर जस्टिस ने धमकी दी है कि वह भारतीय संसद से लेकर लाल किले तक हमले करेंगे। सिख फॉर जस्टिस जनरल काउंसिल के गुरपतवंत सिंह पन्नू की ओर से मिली धमकी में ये कहा गया है कि भारतीय शासन में सिखों को अस्तित्व का खतरा है। संसद सदस्यों, अगर आप खालिस्तान जनमत संग्रह का अनुभव नहीं करना चाहते हैं तो घर पर रहें। सांसद ने नई दिल्ली जिले के प्रभारी पुलिस उपायुक्त DCP को इस मामले से अवगत करा दिया है और एक आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि मैंने नई दिल्ली जिले के प्रभारी DCP को सूचित कर दिया है और एक आधिकारिक शिकायत भी दर्ज करा दी है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मामले पर ध्यान दें और आगे की आवश्यक कार्यवाही करें। आपको बता दें कि 9 जुलाई को गृह मंत्रालय NHA ने आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस SFJ पर लगे प्रतिबंध को 10 जुलाई 2024 से 5 साल की अवधि के लिए फिर से गैरकानूनी संगठन घोषित करते हुए बढ़ा दिया था। आप देख रहे हैं NMP न्यूज और आपको रखे सबसे आगे।